नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विक्टर सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दोस्तों हमारा एनसीबीटी का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे थे दोस्तों जो कि जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम होना था, तो उनका दोस्तों फीस भी जमा होने का डेट बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद यहाँ पर पूरा नोटिस भी निकाला गया कि आपका जो एग्जाम है वो डेट बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिनका कि यहाँ पर एक नोटिस देखेंगे कि ये निकाला गया नोटिस, एक ये दो नोटिस यहाँ पर निकाला गया है एनसीईआरटी की तरफ से। पहला नोटिस ये है दोस्तों कि जो भी ऑल स्टेट के यहाँ पर हैं डायरेक्टर या यूटीएस है डीलिंग विथ क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम वाले, तो एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अप्रूवल ऑफ सेशन 2022। तो जो भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन और अप्रूवल होने वाला था दोस्तों सेशन 2022 का, दोस्तों उसका डेट एक्सटेंड करके दोस्तों 21 नवंबर 2022 इसको कर दिया गया है। ठीक, तो अब एक दूसरा जो नोटिस है दोस्तों ये है दोस्तों आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड, जो कि दोस्तों जिनका कि 25 नवंबर से एग्जाम होना था सप्लीमेंट्री एग्जाम का, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर नोटिस निकाला गया, ये जो नोटिस है दोस्तों 18 नवंबर 2022 का डेट में निकाला गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, जो भी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT सप्लीमेंट्री एग्जाम होना था दोस्तों नवंबर 2022 में, तो 25 नवंबर 2022 से स्टार्ट था CBT एग्जाम फॉर द सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग फॉर एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के लिए। उन्हीं के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर नोटिस निकाला गया है, जो कि नोटिस निकाला गया था दोस्तों वो 17/10/2022 और 18/10/2022 को था। ठीक, ये नोटिस निकाला गया था कि आपका 25 नवंबर से पेपर होगा, लेकिन वो डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो 17 नवंबर को जो यहाँ पर नोटिस निकाला गया था दोस्तों 17 अक्टूबर को, तो उसमें यही बताया गया था कि आपका 25 नवंबर से एग्जाम होगा, लेकिन लेकिन उस डेट को यहाँ पर बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो भी ये यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर 2018, 2019 और 2020 से जो भी कैंडिडेट हैं फर्स्ट ईयर और 2 ईयर वाले कोर्स के 6 मंथ कोर्स हैं, तो उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंडेंस और एग्जामिनेशन फीस का दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल लिया जा रहा है। तो आपको अगर आप एग्जामिनेशन फीस नहीं जमा है तो आपको एग्जामिनेशन फीस जमा करना है, अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सब आपका हो रहा है। फिर 21 के जो भी सेशन के उनमें फर्स्ट ईयर 2 साल के कोर्स वाले और 1 ईयर कोर्स वाले 6 मंथ कोर्स वाले इनका भी वही काम हो रहा है। और जो सेमेस्टर सिस्टम है 2014 से लेकर 2017 तक उनका 1 ईयर कोर्स या 2 ईयर कोर्स या 6 मंथ कोर्स हो उनका सेशनल अटेंडेंस और एग्जामिनेशन फीस जमा हो रहा है। ठीक, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो भी कैंडिडेट है दोस्तों किसी इन सच केस रिसीव हेयर ट्रेनिंग वे आर नॉट विजिबल फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे वे आर एनलाइड एंड इट हैज बीन फाउंड सच ट्रेनिंग हैव नॉट पेड देयर सीबीटी एग्जाम फॉर ईयर एग्जामिनेशन, सीबीटी फीस आपका जमा हो रहा है प्लस जिनका भी पेंडिंग सीबीटी फीस था वो भी आपका जमा हो रहा है। और देखिए जो भी कैंडिडेट ऐसे थे दोस्तों 18, 19 और 20 के हैं जिनका कि 1 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर कोर्स और 6 मंथ का कोर्स है, उनका प्रैक्टिकल और रीडिंग का यहाँ पर अब यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर मतलब फीस जमा हो रहा है, और उनका भी जल्द ही स्टार्ट भी होगा एग्जाम। यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के जो फर्स्ट ईयर और 2 ईयर कोर्स 1 ईयर कोर्स और 6 मंथ कोर्स हैं, सेमेस्टर सिस्टम 2014-17 वाले हैं, इनका भी होने वाला है। अब यहाँ पर बताया गया कि स्टेट डायरेक्टरेट कैन कलेक्ट फीस फॉर प्रैक्टिकल और ईडी एग्जामिनेशन। तो ईडी और प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों ये जो भी कैंडिडेट हैं 2014-17 तक 21 वाले और 18-20 वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनका ईडी और प्रैक्टिकल का फीस जमा हो रहा है। तो सभी लोग क्या करें, आप अपने आईटीआई पे संपर्क करके अपना प्रैक्टिकल और ईडी का फीस जमा करवा लें। और टाइम टेबल दोस्तों जो होगा आपका प्रैक्टिकल और ईडी का यह बहुत जल्दी बताया जाएगा। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि सीबीटी फीस हैज बीन एक्सटेंडेड, यानी कि दोस्तों जो आप लोगों का फीस जमा करने का डेट है वह 20 नवंबर 2022 यहाँ पर रखा गया है। ठीक, एंड जो आपका सीबीटी एग्जाम दोस्तों जो होगा वह 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो और करें देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फीस पेमेंट डेट, करें यहाँ पर दोस्तों जो सीबीटी फीस जमा करने का डेट है वह अब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो 20 नवंबर यानी कि दोस्तों कल इसका लास्ट डेट है, तो उसके अंदर आप लोग आज और आवाज तो हालांकि नहीं हो पाएगा तो कल ही आपको करना है, कल तक आपको फीस जमा कर लेना चाहे जिस साल में, इसके बाद आपका फीस पेमेंट नहीं होगा। तो आप लोग अगर फीस नहीं पेमेंट किए तो फीस पेमेंट करवा दीजिए। ठीक, अपने कॉलेज से मिल लीजिए आईटीआई वाले कॉलेज पर, और 10 दिसंबर 2022 से आपका एग्जाम होगा पीडी और प्रैक्टिकल का जो कुछ भी है। ठीक, तो यही आपको नोटिस बताना था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोगों के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है
और यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो पेपर होगा 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को क्या करना है, जो भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप इस नाम से आपको सर्च करना है और इसे ज्वाइन कर लेना है, इस ग्रुप को। जैसे ज्वाइन करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर फिटर का जो भी कैंडिडेट है इनका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आना स्टार्ट हो चुका है, मशीनिस्ट का है, फिटर का है, और जो भी है इलेक्ट्रीशियन का है, डीजल मैकेनिक के हैं, तो सभी कैंडिडेट ये अपना देख सकते हैं, यहाँ से पेपर मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं। आईटीआई का जो भी है पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।